नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ऑफ 2/3 एंड 5/9 विच इज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, हमें ये बताना है इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है और कितना बड़ा है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए लास्ट क्वेश्चंस में हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली अपनी क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो देखिए जब भी हमें दो नंबर्स में कंपेयर करना होता है कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, तो हम क्या करते थे, उनके डिनोमिनेटर्स सेम कर लेते थे। तो देखिए अब 3 और 9 में कुछ कॉमन है, तो हम 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 बना सकते हैं, तो हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पे 9 ऑलरेडी है तो हम इसमें किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो अब ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, 2 3s are 6 एंड 3 3s are 9। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, न्यूमरेटर अगर देखें, अगर न्यूमरेटर देखें तो ये वाला बड़ा है, तो हमें पता चल गया 2/3 बड़ा है 5/9 से, लेकिन कितना बड़ा है ये कैसे निकालेंगे, माइनस करके। अब हम आप चाहें तो इसमें से इसे माइनस कर सकते हैं, या ये जो आई है वैल्यू उसमें से इसे माइनस कर सकते हैं, कैसे भी माइनस कर सकते हैं। तो 2/3 में से 5/9 भी माइनस कर सकते हैं। तो देखिए हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, क्योंकि 3 और 9 में कुछ कॉमन है तो हमने एलसीएम निकाल दिया। तो 3 से गया, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3, तो एलसीएम आ गया 9, तो 9 लिख दिया। अब 2 as it is, तो देखिए 3 3s are 9, तो 3 आ गया, माइनस 5 as it is, 9 1s are 9, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 2 3s are 6 एंड 5 1s are 5/9, और 6 में से 5 is 1/9, तो इसका मतलब 2/3 1/9 टाइम्स बड़ा है 5/9 से। आंसर लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज रुपीज 16 whole 3/5, पेन की कॉस्ट इतनी है, एंड दैट ऑफ अ पेंसिल इज 4 whole 3/4 रुपीज, और पेंसिल की कॉस्ट इतनी है, विच कॉस्ट मोर एंड बाय हाउ मच, किसकी कॉस्ट ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है ये बताना है। तो देखिए पेन इधर लिख रही हूँ और पेंसिल इधर लिख रही हूँ, राइट, दोनों की कॉस्ट दी हुई है, पेन की कॉस्ट है हमारी 16 whole 3/5 रुपीस, और पेंसिल की कॉस्ट है हमारी रुपीस 4 whole 3/4। तो अब इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 16 5s is 80 एंड 80 plus 3 is 83 upon 5 रुपीज में ही आएगा। इसी तरीके से पेंसिल की कॉस्ट देखिए 4 4s are 16 plus 3 is 19 upon 4। अब देखिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें ऊपर नीचे और इस 5 की मल्टीप्लाई इसमें ऊपर नीचे कर लेंगे। कंपेयर के केस में ऐसे ही करते हैं, तो 4 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हो गई और इधर 5 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हो गई, तो ये कितना आ गया मल्टीप्लाई करके रुपीज़ में आएगा 83 4s are 4 3s are 12 कैरी 1 33 upon 20। इसी तरीके से ये आ गया रुपीज़ में 19 5s is 95 upon 20। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो बड़ी वैल्यू है, तो किसकी कॉस्ट ज़्यादा हुई, पेन की कॉस्ट ज़्यादा हुई, तो कॉस्ट ऑफ पेन इज मोर देन कॉस्ट ऑफ पेंसिल बाय हाउ मच। देखिए कितनी बड़ी है ये निकालने के लिए हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देते हैं, आप चाहें तो इसमें से ये भी माइनस करके दिखा सकते हैं या इसमें से ये भी माइनस कर सकते हैं, तो कैसे भी कर सकते हैं,
तो देखिए मैं एक्चुअल वैल्यू ही लिख के कर रही हूँ, रुपीज़ में आएगा 16 होल 3/5 में से माइनस कर देंगे 4 होल 3/4। अब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और ये वाली फ्रैक्शन हमारी कितनी आई थी, 83/5 रुपीज़ ही लगेगा, माइनस ये कितनी आई थी 19/4। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमने सेम किए थे, लेकिन हम मैं अब यहाँ पे डायरेक्टली एलसीएम ले रही हूँ क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 20। और जब भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, रुपीज़ में आएगा 83 में 4 की मल्टीप्लाई माइनस 19 में 5 की मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया रुपीज़ एज इट इज़, 4 3 12 कैरी 1, 4 8 32 33 माइनस 19 5 95/20, तो ये कितना आ गया रुपीज़ में 332 में से 95 माइनस कर देंगे, 12 में से 5 गए 7 एंड 11 में से 9 गए 2 एंड 2/20। अब ये कैंसिल नहीं हो सकते हैं ऊपर नीचे, तो डिवाइड कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, तो हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, तो 227 को डिवाइड किया 20 से, 21 20, 2 बज गया 7, 21 20, 7 रिमाइंडर बज गया, तो ये कितना आ गया रुपीज़ 11 होल 7/20। तो इसका मतलब पेन हमारा पेंसिल से कितना कॉस्ट ज़्यादा है, दैट इज़ 11 होल 7/20 रुपीज़ इज़ द आंसर।